पूरा देश अभी कोरोना जैसी महामारी से पूरी तरह से उभरा भी नहीं था कि 23 नवंबर को चीन से एक ऐसी खबर सामने आती है जिसे सुनकर भारत के लोगों को कोरोना काल वाला समय याद आ जाता है। 23 नवंबर को चीनी मीडिया ने स्कूलों में रहस्यमय बीमारी फैलने की जानकारी दी थी। वहाँ की मीडिया ने बताया था कि चीन के स्कूलों में एक अजीब और रहस्यमय फेफड़े फुलाने वाली बीमारी फैल रही है जिससे बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं। बच्चों के फेफड़ों में बुखार, खांसी, जुखाम, फेफड़े में सूजन, सांस नली में सूजन, गले में दर्द या खराश जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बता दें, इस रहस्यमय बीमारी की वजह से रोजाना चीन में लगभग 7,000 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार ने ध्यान देते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और तमिलनाडु को अलर्ट जारी किया है और साथ ही इन 6 राज्यों में केंद्र सरकार ने इस बीमारी को लेकर विशेष निर्देश भी जारी किए हैं। सरकार ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोगों से मास्क लगाने की अपील की है और सभी हॉस्पिटल में बच्चों के इलाज के लिए बेड, जरूरी दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर, पीपी किट और एंटीबायोटिक्स का स्टॉक रखने के लिए भी कहा है। लेकिन फिलहाल WHO ने इस रहस्यमय बीमारी को महामारी का नाम नहीं दिया है और लोगों से समय पर टीका लगवाने, बीमार पड़ने पर जरूरी टेस्ट करवाए और बीमार लोगों से दूरी बनाए रखने के लिए कहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।